Chanti deva sunvantam na swapnaya sprayanti. Honored Honorable Chair, Mr. Rajiv Malhotra, distinguished delegates who are sitting here, ladies and gentlemen, devio aur sajjano, aaj hum yahan ekatrit hue hain ek abhiyan chhedne. We are going to kickstart today a campaign to revise our history, apne itihas ko badalne ka ek abhiyan shuru karne ke liye aaj hum yahan sare ekatrit hue hain. Yahan Delhi University se, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये अभियान शुरू होगा. हम भारत के 12 शहरों में लेके जा रहे हैं और उसके बाद राजीव जी ने वाशिंगटन डीसी में एक सेमिनार का प्रायोजन किया है जिसमें हमारे स्कॉलर्स वहाँ जाके अमेरिकी स्कॉलर्स के साथ टक्कर लेंगे, लोहा लेंगे कि हमारे इतिहास को क्या हक है कि वो हार्वर्ड से लिखा जाए, कि वो ऑक्सफर्ड से लिखा जाए. क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है हमें आज़ाद हुए 72 साल हो चुके, हमें आज़ाद हुए 72 साल हो चुके हैं और अभी भी हमारी जो साइकोलॉजिकल गुलामी की, मानसिक गुलामी की जो बेड़ियाँ हैं वो कहीं हार्वर्ड में जाके ख़त्म हो रही है और कहीं कठपुतली की तार वहाँ ऑक्सफोर्ड से आ रही. हमारे यहाँ वामपंथी एक तबका है स्कॉलर्स का जो कहते हैं कि तुम अश्वेत लोग, यू ब्राउन पीपल, आप कैसे मैक्स मुलर का लिखा एक भी शब्द बदली कर सकते हो. एक शब्द आप बदली करने की क्षमता नहीं, आप तो अश्वेत हो, आप तो भूरे हैं. जो गोरे अंग्रेज लाठ लिख के गए लाठ साहब, दैट विल बी फॉर एवर एंड एवर एंड एवर. वी डोंट एग्री रिस्पेक्टफुली. राजीव मल्होत्रा जी हैज़ बीन ट्राइंग टू इन्वाइट रोमिला थापड़ फॉर अ डिबेट. रोमिला थापड़ दी जो डॉयन है हमारी लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस की, बड़े देर से वो उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आए और उनके साथ शास्त्रार्थ करें, डिबेट करें, एकेडमिक डिस्कशन करें. ठीक है साहब, लेकिन वो आज तक आई नहीं. फिर परेशान होकर इन्होंने उनके जो वीडियो जो थे ऑन रिकॉर्ड उनको रख के उनको इन एब्सेंशिया डिबेट किया है. हमें उम्मीद है कि हमारा आह्वान सुन के, हमारा चैलेंज सुन के अगले सेमिनार में हमारे वामपंथी मित्र ज़रूर आएंगे हमसे शास्त्रार्थ करने. वी इन्वाइट यू, वी चैलेंज यू टू एन ओपन एकेडमिक डिस्कशन एंड डिबेट ऑन द बेसिस ऑफ एम्पेरिकल फैक्ट्स. ऑलराइट, ऑन द बेसिस ऑफ एम्पेरिकल फैक्ट्स एंड सॉलिड रिसर्च, लेट दैट डिसाइड द फैक्टर्स. आज भारत को ज़रूरत है अपना इतिहास वापस लेने की. क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि फ्रांस, रूस या चीन का इतिहास आउटसोर्स कर दिया जाए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को? ये हमारे साथ इसलिए हुआ साहब कि 200 वर्ष हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे और गुलामी तो हमने पहले भी 800 वर्ष की स्पेशलिटी है हमारी, इस देश की स्पेशलिटी है साहब गुलामी. ठीक है साहब, और 600 साल हमने बाहर के मुगलों और अफगानों और ईरानियों और कहाँ कहाँ के लोगों की गुलामी करी, लेकिन ये जो 200 साल अंग्रेज़ों की गुलामी थी ये तो साहब खास थे. क्योंकि और तो केवल हमको तलवार के बल पे हमको उन्होंने हराया, जीते, लेकिन कभी मानसिक स्तर पे परास्त नहीं कर सके. ये अंग्रेज ऐसी मानसिक बेड़ियों में जकड़ के गए हैं कि 72 साल के बाद आप अभी भी हर भारतीय देशी चीज़ को हीन, गिरा हुआ, इन्फीरियर समझते हैं. ये देशी है मतलब ये बेकार है, जो लंदन से आया है वो बेस्ट है. जो अंपायर, जैसे कि राजीव मल्होत्रा जी कहते हैं, अब अटलांटिक के दूसरी तरफ चली गई, अंपायर हार्वर्ड में पहुँच गई है, अमेरिका में पहुँच गई, लेकिन अंपायर अभी भी है. हमारे सारे प्रोफेसर मित्र, हमारे सारे डिग्री होल्डर स्कॉलर्स वहाँ जाके नाक रगड़ते हैं, वहाँ पे साष्टांग दंडवत करते हैं. जो हमारे श्वेत, जो हमारे सो कॉल्ड जो रिलिक्स ऑफ द एम्पायर हैं उनके सामने दंडवत करते हैं कि साहब मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ जो आपने कहा, जो आपने कहने के लिए कहा.
हां हमारी रामायण टॉक्सिक है, ये रामायण टॉक्सिक है क्योंकि इसमें वो जो है औरतों को कैसे दबाया जाए, शूद्रों को कैसे दबाया जाए, जो आर्य नहीं उनको कैसे दबाया जाए, ब्राह्मणों की प्राथमिकता कैसी लाई जाए, ये सब लिखा है साहब, और कुछ है ही नहीं। तो हम तो साहब बेवकूफ है ना कि हम तो इतनी सदियों से रामायण और महाभारत पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो हार्वर्ड के मित्र हैं उन्होंने एक समझ में समझ लिया साहब, इसमें ये धर्म की बातें अलग रखी है, फिलॉसफी की बातें अलग रखी है, बात करिए ये सोशल रिलेशनशिप्स की, ठीक है साहब, और उसमें ये टॉक्सिक है। मतलब आपके देखिए जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है उसको हमारे अमेरिकन और अंग्रेज बहुत सीरियसली ले रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप एक उभरती सभ्यता हैं, आपको दबाने का, आपको हीन दिखाने का हर एक प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हमको अपना इतिहास आज वापस लेना है, ये उसका पहला कदम है। मैं बहुत आभारी हूँ शक्ति सिंह का, दिग्विजय सिंह का, हमारे दिल्ली स्टूडेंट यूनियन के छात्रों का कि उन्होंने वो करके दिखाया है जो हम JNU में, माफ़ कीजिए, नहीं करा सके। बड़ा जोर लगाया, आप विटनेस हैं राजीव जी, हम नहीं कर सके। देवियों और सज्जनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज से ये अभियान शुरू है। मैं अपने मीडिया के मित्रों को कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे जो हमारे योद्धा हैं और जो हमारी लड़ने वाली योद्धाएं हैं, जो अब उनकी क्षत्राणियाँ हैं, मैं सबको कहता हूँ कि आप इस कैंपेन को उठाइए, वी विल रिक्लेम आवर हिस्ट्री। What we need for that is an integrated, convergent, multidisciplinary approach to solve some of the riddles of Indology. क्या सवाल हमें वो एड्रेस करना चाहेंगे? हमारे वामपंथी मित्र कहते हैं सरस्वती नाम की कोई नदी नहीं थी साहब, एक घग्गर हाखड़ा सूखी चैनल है, सरस्वती तो थी ही नहीं। रोमिला थापड़ जी ने अपने जो इतना बड़ा ग्रंथ उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने कहा कि एक हेक्सारवाती या कोई एक नदी थी छोटी सी अफगानिस्तान में, हो सकता है वो सरस्वती लगा हो। सरस्वती का जो वर्णन है वो कहता है हिमालय से समुद्र तक, और अफगानिस्तान में शुरू होकर ख़त्म होने वाली नदी हेराक्सावती कभी सरस्वती नहीं हो सकती। तो मूल तथ्य उनका ये कि साहब सरस्वती को डिनाई करो तो सारा जो हमारी थ्योरी है, जो बीबी लाल साहब कह रहे हैं, वो सब खत्म हो जाती है। देयरफॉर हमने ये सरस्वती का सेमिनार शुरू किया है, क्योंकि सरस्वती इज नॉट अ मिथ, सरस्वती एक कहानी नहीं। इसरो के साइंटिस्ट हमारे साथ बैठे हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि आपको भद्रा साहब, डॉक्टर भद्रा साहब, जो कि सैटेलाइट फोटोग्राफ्स दिखाएंगे अगली सेशन में आपको, वी विल शो यू प्रत्यक्ष प्रमाण। उसके बाद बकवास करने का कोई स्कोप नहीं रह जाता, और ये अनिवार्य है कि हम साइंटिफिक इंपेरिकल एविडेंस आपके सामने प्रेजेंट करें। अफसोस कि ये प्रेजेंट नहीं करने दिया गया। क्या आर्य भारतीय थे, मूल भारतीय थे, या बाहर से आए, सेंट्रल एशिया, तुर्की, एनाटोलिया, कहाँ से आए वो? क्या जो हरप्पन और जो ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन का ज्योग्राफिकल एरिया बिल्कुल एक है, क्या ये दोनों एक सभ्यता नहीं थी? मैक्स मुलर ने कहा नहीं साहब, आर्य तो 1500 BC में आए। तो कैसे ये सभ्यता जो है हरप्पन सभ्यता आर्य नहीं हो सकती? हम आपको साबित करना चाहेंगे ये बिल्कुल उलट है। आप बीबी लाल साहब का एक वीडियो देखेंगे, वो 99 साल के हैं बेचारे, और वो बहुत इच्छुक थे यहाँ आने के, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। उन्होंने मुझे घर बुलाया, हमने पूरा उनका रिकॉर्ड किया है ताकि आप उनको उनकी ज़बानी सुन सकें। यू विल हेयर डॉक्टर बीबी लाल, हु इज़ 99 years old, और पूरा जीवन संघर्ष करते रहे हैं हमारे इतिहास को अंग्रेज़ों के चुंगल से छुड़ाने के लिए। हमारी असली उम्र क्या है इस सभ्यता की? क्या 5000 वर्ष है? बकवास। IIT खड़गपुर के टीम ने जाके कार्बन डेटिंग की है, फ्लोरोसेंस ल्यूमिनेसेंस डेटिंग की है, जो बिरहाना के वहाँ पे जो आपको मटकों के टुकड़े मिले हैं, और आप जानते हैं उसका 8000 साल पुराने हैं वो, 6000 BC 8000 साल पुराने वो हैं, और जब डीपर लेवल पे डिगिंग की गई तो 9500 वर्ष पुराने भी
आपके कार्बन डेट हुए हैं। तो साहब ये कोई ये नहीं कि मैं इस धर्म से हूं तो मैं ये कह रहा हूं तुम्हें मानना पड़ेगा, आपको हम साहब एम्पेरिकल एविडेंस दे रहे हैं। इसलिए साहब ये जो है हमको ये हीनता का जो भाव है कि हम हिंदुस्तानी हैं इसलिए हम जो हैं गिरे हुए हीन, ऑल वैल्यू केम टू अस फ्रॉम आउटसाइड। यहाँ तक ये हार्वर्ड के साइंटिस्ट जेनेटिक्स कह रहे हैं कि साहब एग्रीकल्चर भी मेसोपोटेमिया से आया, द इंडियन वर सो डम, उनको साहब एग्रीकल्चर नहीं करना आता था, वो मेसोपोटेमिया से बाइबल के लैंड से आके सिखाया गया। माफ कीजिए, वो बहुत सारे हिस्टोरिकल तथ्य मिल चुके हैं। मेहरागढ़ के पूरा गांव अनर्थ हो चुका है जहाँ पे पहले आपकी डोमेस्टिकेशन हुई एनिमल्स और प्लांट्स की, वीट और बार्ली की, बकरियों की, गायों की, भेड़ों की, वहाँ डोमेस्टिकेशन हो चुकी थी। कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मेसोपोटेमिया के नहीं है, लेकिन अंग्रेजों के टाइम में ये साहब ये गिरी हुई सभ्यता, वैल्यू ऑल केम फ्रॉम आउटसाइड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम लाए, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन मेसोपोटेमिया लेके आए। नेक्स्ट प्लीज। तो ये जो सेमिनार है साहब ये पांच हिस्सों में होगा, ये सेमिनार पांच हिस्सों में होगा। ये अभी इंट्रोडक्टरी सेमिनार जो है सेशन चल रही है, इसमें हम कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी को एग्जामिन करेंगे, आर्यन इन्वेजन थ्योरी और आर्यन माइग्रेशन थ्योरी का जो ढकोसला है उसको हम गलत साबित करेंगे। सेकेंड सेशन में ये सैटेलाइट इमेजरी, डॉक्टर भद्रा साहब बातचीत करेंगे, और जियोलॉजिकल एविडेंस और हाइड्रोडायनेमिक्स पे डॉक्टर चौधरी आए हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, वाल्दिया साहब ने आना था, उनके मिसेज की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, वो अस्पताल में है, उन्होंने माफ़ी मांगी है, लेकिन उनका पेपर हम किसी सेशन में आपको सुनवाएंगे पढ़ा के। थर्ड सेशन जो कल सुबह होगी, ये सबसे ज़रूरी सेशन है, इसको चेयर करेंगे प्रोफेसर वसंत शिंडे, वाइस चांसलर डेकिन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर भिश साहब जो हमारे बड़े माने विख्यात एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो भी इस सेशन में भाग लेंगे। और जो अभी भागपट में एक चैरियट डिस्कवर की गई है उस पे जो है डॉक्टर मंजूल साहब जिन्होंने वो एक्सकवेट की थी चैरियट, वो आके बात करेंगे। हमें कहा गया है साहब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज नॉट आर्यन, क्योंकि ना इनके पास घोड़े दिखे ना इनके पास चैरियट्स दिखी, वो आपको हम चैरियट्स प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा देंगे, जिसने आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकवेट की है वो कल आपके पास आके बोलेगा। फोर्थ सेशन में हम बात करेंगे जीन मैपिंग की। अभी हाल में ही हमारे मीडिया के मित्र जानते हैं टोनी जोसेफ साहब ने एक किताब लिखी है अर्ली इंडियंस, वो हार्वर्ड के उत्तराधिकारी हैं भारतवर्ष में, उन्होंने ठेका ले रखा है कि जो हार्वर्ड कहे हम उसे सच साबित करके दिखाएंगे, इन हिंदुस्तानियों का नाक जमीन पर रगड़ के बताएंगे ये जो अंग्रेज कह गए वो सत्य है, है? वो कहते हैं ना रामचंद्र कह गए सिया से, मैक्समुलर कह गए 1500 वर्ष पहले आर्य सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है साहब, वॉट एवर एविडेंस यू गेट टू द कॉन्ट्ररी वो बदली नहीं हो सकता साहब। अब हम जेनेटिक एविडेंस ला रहे हैं, आपके जीन्स की बेस्ट टेस्टिंग होती है हार्वर्ड की लेबोरेटरी में, वो आप हिंदुस्तानी गिरे हुए पिछड़े हुए लोग नहीं कर सकते, इसलिए हार्वर्ड कह रहा है कि हाँ साहब ये जीन बाहर के हैं। हम ये तीन जेनेटिक साइंटिस्ट भारत के जो टॉप हैं, नीरज राय जी, चौबे जी और स्वांकर शर्मा जी, जिन्होंने अपने पेपर्स जिनके नेचर और जेनेटिक जर्नल वगैरह में जो छपे हैं वो कल यहाँ आके ये हार्वर्ड के तथ्यों की धज्जियाँ उड़ाएंगे। साइंटिस्ट, ठीक है साहब, मेरे जैसा गुसैल सिपाही नहीं जिसको केवल अपने देश के लिए लड़ना आता है, लेकिन बहुत कुछ औरों को जो आता है वो हम सामने लाना चाहते, ताकि आपको एम्पेरिकली एकेडमिकली हम बता दें साहब कि सत्य और सत्य की परिभाषा क्या है, और वो बाहर से नहीं आ सकती। 72 साल तुमको आजाद हुए हो गए, कम से कम मानसिक बेड़ियां उतारो और खड़े हो, उत्तिष्ठ भारत, स्टैंड अप एंड बी काउंटेड, टेक चार्ज ऑफ योर हिस्ट्री। और जो फिफ्थ सेशन होगी
उसमें लिंग्विस्टिक और स्क्रिप्चरल एविडेंस है। कल्याण रमन जी आए हुए हैं, हमारे मनोज्ञा शास्त्री और स्कॉलर्स, बहुत अच्छे स्कॉलर्स दक्षिण भारत से, वो यहाँ आए हुए हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, ये हैं सैटेलाइट फोटोग्राफ्स, आपको और अच्छी दिखाएंगे भद्रा साहब। नेक्स्ट प्लीज, मैं थोड़ा तेज चलता हूँ। देखिए, सैटेलाइट इमेजरी के मुताबिक जो सरस्वती नदी थी 4600 किलोमीटर लंबी, प्लीज नोट दीज, 4600 किलोमीटर लंबी, 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी, हिमालय से समुद्र तक बहती थी। हमारे सैटेलाइट्स ने और अमेरिका के लैंडसैट सैटेलाइट्स ने 1970 की दशक में ये फोटोज हमको भेज दी थी। ठीक है, पटियाला के पास ये नदी का पार्ट 20 किलोमीटर चौड़ा था, क्योंकि यमुना जी और सतलुज दोनों आके सरस्वती में मिलती थी। स्नो मेल्ट पानी जो है इसमें आता था, थ्रू आउट द ईयर ये नदी बहती थी। लेकिन टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट्स और बड़े भूकंपों की वजह से 4600 ईस्वी में जो यमुना जी थी वो मुड़ के अलग हो गई, गंगा जी में मिल गई, और 2600 साल पहले ये जो सतलज थी वो भूकंप से मुड़ी और सिंधु में जाके मिल गई। आइस मेल्ट वाटर आना खत्म हो गया, ये मॉनसूनल स्ट्रीम बन गई जो अब शिवालिक से निकलती थी। ठीक है साहब, मॉनसून फेल हो गई महाभारत काल के पहले, और ये नदी पूरी 1900 BC तक ये नदी ड्राई आउट हो चुकी थी। कब आए थे आर्य यहाँ पे? 1500 BC, तब उनको ये नदी दिखनी चाहिए थी। जियोलॉजी के मुताबिक ये नदी गायब हो चुकी थी, उत्तर में ये छोटे छोटे ये लेक्स और सरोवर्स में बढ़ चुकी थी। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर इसी का हिस्सा है। जब भी कोई हिंदू मरता है, अस्थियां विसर्जन के लिए हरिद्वार जाता है, लेकिन पिंडदान के लिए कहां जाता है? कुरुक्षेत्र, क्योंकि सरस्वती वहां बहती थी। सरस्वती के जाने के 4000 साल बाद भी इन द ओरल ट्रेडिशन इट हैज बीन केप्ट अलाइव। आप आज भी जाके उस सरस्वती के बचे हुए अंश में जाते हैं। जैसलमेर के आगे ये नदी जमीन के नीचे लुप्त हो गई। नेक्स्ट प्लीज। अगर मैक्स मुलर की थीसिस ठीक है तो मुझे बताइए कि ऋग्वेद में 72 मंत्र हैं जो कहते हैं द मदर ऑफ फ्लड्स, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स। अभी जो डांस आपने देखा ये ऋग्वेद के मंत्र पे डांस हुआ था, नदी तमे अनुतमे देवी तमे सरस्वती। आपने शायद ये शब्द सुने होंगे, ये ऋग्वेद का मंत्र है कि देवियों में सबसे उत्तम सरस्वती, माताओं में सबसे उत्तम सरस्वती, नदियों में सबसे उत्तम सरस्वती। क्या एक सूखी नदी इस तरह डिस्क्रिप्शन हो सकती है? इसका मतलब ऋग्वेद जो है कम से कम 2000 ईस्वी पूर्व के पहले के हैं, कम से कम। अदरवाइज हाउ डज जियोलॉजी मैच विद हिस्ट्री? अब वो कि केवल उसके कह, आप सुनेंगे बीबी लाल साहब को ये कहते। ये देखिए, ये जो आसमानी ब्लू रंग में है ये सरस्वती का पार्ट है। आप देख रहे हैं, जब महाभारत आप पढ़ते हैं तो कहते हैं जो महाभारत का रणभूमि थी ये सरस्वती और दृषादवती, इन दोनों के बीच में स्थित है। वो दृषादवती, वो यमुना उसमें आके मिलती थी, ठीक है, और ये जाते थे वहाँ। ऊपर से देख रहे हैं वहाँ पे सतलज इनको मिलती है। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, ये एक उसकी ड्राइड आउट चैनल की, वो घग्गर हाकरा पेलियो चैनल जहाँ लिखा है वो वहाँ पे है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट प्लीज, क्या हुआ सरस्वती को। जैसे मैंने बोला 4700 BP बिफोर प्रेजेंट जो झटका आया भूकंप का, उसने यमुना जी को मोड़ दिया। 2600 में जो झटका आया उसने सतलज को मोड़ दिया। आइस मेल्ट वाटर हिमालय का बंद हो गया, मॉनसूनल नदी बनी, मॉनसून फेल हुई, नदी सूख के गायब हो गई। नेक्स्ट प्लीज। ये आप देखिए, सैटेलाइट फोटोग्राफ है ये शिवालिक्स का, जहाँ पे आप देखें दाहिने कोने में एक कट है, वो एक पूरा कट बन गया है शिवालिक के पर्वतों में, जहाँ से यमुना जी मुड़ के जो है अभी गंगा में जाती है। पहले ये कट नहीं था, ये भूकंप से ये कट आया। ये देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण फोटो है साहब, ये फोटो है। मैं कोई किसी ग्रंथ का कोई श्लोक नहीं पढ़ रहा हूं। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, ये है
यमुना की पेलियो चैनल, इसमें देखिए आपको लिखा होगा Y1, Y2, Y3। Y3 है जो सबसे दाहिने, जो अभी यमुना की चैनल है जो कि गंगा जी में मिलती है। Y2 और Y1 जाके सरस्वती में मिल रही थी, ये सब सैटेलाइट से पकड़ी गई। नेक्स्ट प्लीज। और ये देखिए जैसलमेर के आगे ये नदी अंडरग्राउंड चली गई है। पिछले साल मैं वहाँ गया था साहब, जगह का नाम है विनाशना, ठीक है। और वहाँ से 3 चैनल्स में ये नदी जो है ये बिल्कुल ज़मीन के नीचे लुप्त हो गई है। ट्यूबवेल्स लगाते हैं, लाखों लीटर मीठा पानी अभी मानव अभी जो है जल संसाधन मंत्री जी आ रहे हैं शेखावत साहब, हम उनको भी बताना चाहेंगे, लाखों लीटर मीठा पानी जहाँ पानी की किल्लत हो रही है, जहाँ हम वाटर स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, आज वहाँ पे जो है लाखों लीटर मीठा पानी लाके हम रेगिस्तान को हरा कर सकते हैं। अगर इजरायली रेगिस्तान हरा कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। और आपके सरस्वती जी का पानी वहाँ पे है, आप भारत की सभ्यता को पुनर्जिला सकते हैं, जिंदा कर सकते हैं, और करना चाहिए और करे जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। अब इतिहास की बात करें, 60-80% खासकर जो अर्बन साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो सिंधु नदी पे नहीं साहब, वो सरस्वती नदी पे थे। सिंधु पे नहीं, सरस्वती नदी पे थे। इसलिए जब ग्रीक यमन लोग यहाँ आए तब तक सरस्वती सूख चुकी थी, ठीक है। और उन्होंने आके देखा और उन्होंने आके हमको बोला कि साहब इंडस, इंडिका, इंडिया, आपका नाम ही गलत है, क्योंकि मूल नदी आपकी सिंधु नहीं सरस्वती है। आपकी सभ्यता की क्रेडल ऑफ योर सिविलाइजेशन इज नॉट, रिपीट, नॉट द इंडस। द ग्रीक्स गॉट इट रॉन्ग, द अरब्स गॉट इट रॉन्ग। अरब यहां आए, उन्होंने सिंधु देखी, सरस्वती जा चुकी थी, उन्होंने बोला सिंधु स, वो बोल नहीं सकते थे, स से उन्होंने हिंदू कर दिया। आप और सब और मैं जो है हिंदू जाति, वो नाम वहां से आया, हिंदुस्तान वो नाम वहां से आया, ये हमारा नाम नहीं है। हमारा नाम है भारतवर्ष। और भारतवर्ष कहां था साहब? दक्षिण पंजाब, हरियाणा, जहां आप बैठे हैं आज के दिन, वहां भारतवर्ष। ये है कोर सिविलाइजेशनल एरिया। एंड सरस्वती वॉज द क्रेडल रिवर ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, ये हैं वो साइट्स, प्रत्यक्ष प्रमाण। इंदस नदी पे देखिए ये जो डॉट्स हैं, वायलेट कलर की डॉट्स, वो दिखाती हैं इंदस वैली की साइट्स। यू सी द डेंस कॉन्सेंट्रेशन। ये देखिए दिल्ली के आसपास, ये है कोर एरिया सिविलाइजेशन का, सारी साइट्स। लेसर पॉइंट, अच्छा, ये है सारी साइट्स, सब सिंधु नदी पे नहीं सरस्वती पे है। टेक अ लुक, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 words। आई विल इकोनोमाइज ऑन 1,000 words बाय जस्ट शोइंग यू दिस वन पिक्चर। थैंक यू। नेक्स्ट, ये देखिए दूसरी फोटोग्राफ। इंदस नदी तकरीबन खाली है, सारा का सारा सिंधु नदी के कोर्स पे नहीं सरस्वती नदी के कोर्स पे थे। दीज आर द वैली साइट्स, सो कॉल्ड इंदस वैली साइट्स आर ऑल, 80% ऑफ देम आर ऑन दी सरस्वती। नेक्स्ट प्लीज। ओके, नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस, सबसे अच्छी जो चीज, एक फैसेट उभर के आता है अगर आप आर्कियोलॉजी स्टडी करें, वो है दी कल्चरल कंटिन्यूटी। 6,000 साल पहले की सभ्यता और आज की सभ्यता में कोई खास अंतर नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि अगर हिंदू धर्म आर्यों ने शुरू किया तो आपका ये आर्य 6,000 साल के पहले जाते हैं, बाहर से नहीं आए साहब। और मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण अभी थोड़े से दिखाऊंगा। प्रॉब्लम ये है कि जो इन द स्क्रिप्ट, वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ, लेकिन लिसन टू दिस केयरफुली, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन कोर एरिया हजारों टेराकोटा की डॉल्स मिली हैं, कॉपर की डॉल्स हमको, वो जो स्टैचूज मिले हैं, स्टियाटाइट सील्स के ऊपर हमको चित्र मिले हैं। दे आर अ विजुअल प्रोटो लैंग्वेज। आई से दैट अगेन, दे कॉन्स्टिट्यूट अ विजुअल प्रोटो लैंग्वेज विच टेल्स यू एवरीथिंग दैट इज देयर टू नो अबाउट दिस सिविलाइजेशन। नेक्स्ट प्लीज। जरा प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए, ये मूर्तियां सिंधु घाटी से हमको मिली हैं।
आप देखें उसकी मांग में सिंदूर दिख रहा है दाहिने, और हमको बिंदी के साथ भी वहां पे ये स्टैचूज मिले हैं। मतलब ये जो सिंदूर लगाने की प्रथा, ये जो मांग में सिंदूर, जो माथे पे बिंदी जो हमारी बेटियों ने लगाई हुई है यहां, ये तब से चली आ रही है सिंधु घाटी से। नेक्स्ट, आपने वो देखे चूड़ियां, और आज भी वही चूड़ियां राजस्थान और गुजरात में डाली जाती है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण ये देखिए, ये टेराकोटा फिगराइंस आपको मिली हैं, जो कि योग की मुद्राओं में हैं। आपको जो है यहां पे सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन सब आपको मिल जाएगा, पवन मुक्तासन भी है यहां पे, आप देखिए। मतलब योग की उम्र तकरीबन 8000 साल पहले जाती है। व्हाट आर द की डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिक सिविलाइजेशन? योगा, मेडिटेशन। ठीक है साहब, योगा, मेडिटेशन। नेक्स्ट, ये देखिए उसके स्केचेस, ताकि आप क्लियरली देख सके। वो देखा नंबर 3 वज्रासन, ठीक है, और ये जो है पहले जो आपके हैं 4 तक वो मिले हैं हड़प्पा से, और 5 और 6 मिले हैं मोहनजोदारो से। नेक्स्ट प्लीज, धीमही, ये आपने सुना है मेडिटेशन। ये देखिए अ प्रीस्ट किंग इन मेडिटेशन, हाफ क्लोज्ड आईज। नेक्स्ट, ये है प्रोटो शिवा ध्यान में, पशुपतिनाथ सराउंडेड बाय द एनिमल्स, ये साहब इन द सिविलाइजेशन सो कॉल्ड से मिला है, सरस्वती सिविलाइजेशन से मिला है। आप नेशनल म्यूजियम में चले जाएं, आपको शिवलिंग मिलेंगे। थैंक यू। ये देखिए शिवलिंग और योनि के जो है, जो आजकल भी मंदिरों में है, ये सब आपकी सो कॉल्ड सिंधु सभ्यता से आया है। दाहिने देखिए पीपल के पत्ते हैं सेक्रेट, पूछते हैं आप पीपल को आज, ये पूजे जाते थे सिंधु घाटी में। नेक्स्ट प्लीज, ये बुलक काट, बिल्कुल वही प्रोपोर्शन है जो आज के गांवों में आपकी काट चलती हैं। ओके, नेक्स्ट प्लीज, ये बोट है गुजरात की पुरानी, और वो सील्स हैं बोट्स की। आप शक्ल में कोई फर्क दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहा है? जस्ट टेक अ लुक एट दिस फोटोग्राफ ऑफ द प्रेजेंट बोट्स बिल्ट बाय द लोकल्स इन गुजरात ऑन द कोस्ट एंड सी द बोट्स ऑन द सील्स। वो बिल्कुल वही बोट का डिजाइन है। नेक्स्ट प्लीज, हम गांव के स्कूल में याद है वो लेके जाते थे एक फट्टी जिस पे लिखा जाता था, जो मेरे मित्र गांवों से हैं वो सब सिर हिला रहे हैं कि वो सब पहचानते हैं इसको, शहर के बच्चे शायद नहीं जानते होंगे। इस पे लिखते थे और उसके ऊपर लेप लगाते थे, ये मिले हैं सिंधु घाटी से, ये सिंधु घाटी से मिले हैं साहब। यू सी द कंटिन्यूटी। नेक्स्ट, ये देखिए वहां के बर्तन, आज भी कोई इन्हें खरीद के बड़े अच्छे से घर में लगाए, और ज्यादातर जो आपके बर्तन के डिजाइनर्स यही हैं, सिर्फ आजकल एल्यूमिनियम और स्टील के बनने शुरू हो गए, डिजाइन तकरीबन वही है। नेक्स्ट, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो पहली बार किसी एकेडमिक सर्कल कॉन्फ्रेंस इन इंडिया में बोली जा रही है। राजीव जी, आई'ड लाइक यू टू टेक अ लुक, दिस इज, ये एक देखिए वेद, ऋग्वेद में जो 9वां मंडल है वो सोम के ऊपर है, उसे कहते हैं सोम सूक्त, सोमा। हमारी सभ्यता का आधार सोम था, सबसे बड़ा यज्ञ सोम याग होता है। ठीक है साहब, देवता इंद्र सोम पी के अपने शत्रुओं से लड़ता था, आही को उसने मारा, और जो इस तरह के जो थे वृत्रों को उसने, वृत्रहान उसने जो मारा वो सोम पी के मारा, सोम पी के करे जाती थी, सोम पी के आनंद आता था, चाहे तलवार लग रही है, कट रहा है, हाथ जा रहा है, पाँव जा रहा है, कोई पता ही नहीं चलता था, उल्लास में वो आदमी लड़ लड़ के मार डालता था। तो ये जो डॉक्टर गॉर्डन वॉसन है, वो दाहिने देखिए खुंभ है लाल रंग की, उसको उन्होंने कहा कि सोम की आइडेंटिटी ये है। इस पर अभी कुछ डिस्कशन चल रही है, लेकिन ये इस्तेमाल किया जाता था फॉर इट्स साइकोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। ये जो स्टैचूज आपको मिले हैं सिंधु, लेटर सिंधु सभ्यता, ठीक है, वेरी लेट। ये देखिए सिर के चारों तरफ वही मशरूम लगाई हुई, कि मतलब इनको खा के हमको वो स्थिति का अनुभव हुआ है। नेक्स्ट प्लीज, ये है वो खुम्भ जिसको बोलते हैं अमानिटा मुस्कारिया, ठीक है, दिस इज दैट मशरूम, ये सिंधु घाटी में मिली। तो ये वैदिक है कि नहीं है बताइए, आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण मैं दे रहा हूं। नेक्स्ट प्लीज,
ये मोहनजोदाड़ो का ऊपर से बिल्कुल चेस बोर्ड जैसी लगती है, आप पूरी टाउन प्लानिंग इसमें देख सकते हैं और कितना सिक्योरिटी के लिहाज से पहाड़ के ऊपर बनाया है। नेक्स्ट प्लीज। ये वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम था। आज के मुंबई में एक बारिश होती है हम डूब जाते हैं, दिल्ली हरियाणा में एक बारिश होती है हमारी रोडों की नहर बन जाती है। ये देखिए वहाँ का उस समय का ड्रेनेज सिस्टम परफेक्ट। नेक्स्ट प्लीज। हमें कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता या सरस्वती घाटी की सभ्यता के लोगों को चैरियट्स के बारे में क्या पता था साहब, तभी तो आर्य आए घोड़े चैरियट लेके आए मार डाले, बेचारे द्रविड़ लोग थे वो, उनको खदेड़ दिया, उनके 100 शहर नष्ट कर दिए। पुरंदर जो इंद्र था उसने 100 फोर्ट सिटीज डिस्ट्रॉय करी क्योंकि इनके पास बेचारों के पास ना घोड़े थे ना चैरियट थे। तो फिर ये चैरियट का रथ का कि खिलौना कैसे मिला है साहब, They did not know about chariots. Yeah. दूसरा, मैं साहब सारी जिंदगी हिमालय में मेरी बीत गई, आप हिमालय के पार चैरियट्स लेके आएंगे? मतलब साहब आज हमारी वहां पे जोंगा जीप नहीं चढ़ती अगर सड़क ना हो, आप वहां पे चैरियट लेके पार से साहब वो आए, सेंट्रल एशिया से आए, उन्होंने हिंदू कुश पार किया हा? और वहां पार किया सड़कों के बगैर। मैं बता रहा हूं आपका हमारा जोंगा नहीं चढ़ता वहां पे, वहां पे आ रही ये रिकटी चैरियट्स लेके आ गए, घोड़े लेके आ गए और काट दिए साहब बेचारे। सबसे पहले सिंधु घाटी में 100 शहर नहीं है, मात्र 10 सेटलमेंट्स हैं जिनको आप शहर बोल सकते हो, 100 हेक्टेयर और उसके ऊपर है ही नहीं 100 शहर। तो 100 शहर कहां से डिस्ट्रॉय करता, वो जाके डिस्ट्रॉय किए थे ईरान में। ठीक है साहब, वो बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। चैरियट नहीं है साहब, ये बागपट में चैरियट 4000 साल पुरानी मिल गई है, कल डॉक्टर मंजूल साहब आपको आके तफसील में इसके बारे में बताएंगे, देख लीजिए। चैरियट असली डिस्कवर की है बरियल पिट में, इसके साथ तलवारें डिस्कवर की है। अभी भी डाउट है? यू स्टिल गॉट डाउट्स? वील क्लियर देम फॉर यू। नेक्स्ट, रेडियो कार्बन जो की है भिराना की, 6th millennium BCE, 8000 साल पुराना। और जो एक रीसेंट स्टडी जो ल्यूमिनेसेंस डेटिंग से की है और भी एक्यूरेट मेथड, 9500 साल। कभी फुर्सत में आपको बताएंगे इसका मतलब क्या निकलता है, ऋग्वेद क्या कहता है कि हमारी नदियों को वृत्र ने फ्रीज कर दिया, ठीक है, और उस वृत्र को हान इंद्र मारेगा तो हमारी नदियां फिर से बहेंगी। द रिवर्स दैट वॉज स्टोलन 9500 ईयर्स, दैट इज द सेकेंड ग्लेशियल एज दैट वॉज कमिंग। नेक्स्ट प्लीज। सारा ये बकवास है जो AIT की आर्यन इन्वेजन थ्योरी, और जब ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी में पिट गए तो बड़ा डेफ्टली बोला, नहीं साहब इन्वेजन, हमने कहा इन्वेजन है तो साहब लाशें दिखाइए। अगर इतना भीषण युद्ध हुआ कि बेचारे द्रविड़ जो थे सिंधु घाटी के उनको मार डाला साहब, मार डाला, जान ले ली सबकी, भगा दिए विद्या के पार, ठीक है साहब, तो वो लाशें कहाँ हैं? 36 लाशें मिली एक जगह अलग अलग लेवल्स पे, और 11 लाशें मिली एक जगह अलग अलग लेवल पे, मतलब वो इकट्ठे नहीं मरे थे। दूसरा, ना उन पे तलवार के कट ना उस पे भाले की चोट, पता चला साहब ये तो डूब के मरे, तो कौन सी इन्वेजन? ठीक है, अगर सिंधु घाटी द्रविडियन थी और वो यहां से गए दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में ऐसे शहर क्यों नहीं मिले हैं? आई आस्क यू, जिन्होंने ये बनाई थी आपने उनको मानो खदेड़ दिया यहां से, बकवास कर रहे हैं आप पहले तो, ठीक है। दी R1A1 जीन हम आपको बताएंगे, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द विंध्यास दोनों जगह मिलता, ये सारा बकवास महज बकवास है कि ये बाहर से आए, ये हुआ वो सारा। नेक्स्ट प्लीज। अमेजिंग कल्चरल कंटिन्यूटी, इफ देयर इज वन वर्ड दैट आई लीव यू विद, ये है अंजलि मुद्रा। ये है अंजलि मुद्रा, हमारी बेटिया मीनाक्षी जी बैठी हैं, उन्होंने बताया, मैंने कहा ये मुद्रा कौन सी, इन्होंने बताया अंजलि मुद्रा है, नमस्कार मुद्रा। ये आपको मिली है सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन में टेराकोटा सील, और वो आज की मुद्रा, और पूरे एशिया में ये मुद्रा फैली हुई है। चाहे आप नेपाल जाओ, चाहे भूटान जाओ, चाहे बर्मा जाओ, चाहे आप थाईलैंड जाओ, वियतनाम, कंबोडिया इत्यादि, बाली, सब जगह आपको ये अंजलि मुद्रा भारत की सभ्यता की फैला दी गई है। और ये कल्चरल कंटिन्यूटी इज द ग्रेटेस्ट 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 फैसेट। नेक्स्ट, तो क्या हुआ इस नदी को?
पहले मुझे बताइए, अगर एक बड़ी भारी नदी कल गंगा सूख जाती है, वहाँ पे और लोग आएंगे बसने के लिए? जो लोग वहाँ के हैं वो बाहर भागेंगे। पानी नहीं तो सभ्यता नहीं। क्यों? हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? जियोलॉजी कहती है कि 1900 BC तक ये नदी सूख के ख़त्म हो गई थी, लोग दाएं बाएं भाग गए थे। ठीक है, आप कह रहे हैं, मैक्समुलर कह गए सिया से कि साहब नहीं नहीं साहब, आर्य आए और वो आए आपके 1500 BC में, कर लो जो करना। इतिहास गवाह नहीं, जियोलॉजी गलत कहती है, आर्कियोलॉजी गलत कहती है। सो यू माइट एज वेल दिस थिंग। अगर एक नदी सूखती है, जो लोग उसके पूर्वी तट पे हैं वो ज़रूर गंगा यमुना की तरफ जाएंगे, जो वेस्टर्न शोर पे हैं मोस्ट लाइकली दे विल गो टू अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया एंड इवन यूरोप। ठीक है, अभी हमको वो जो हैं हिताइट्स और मितानी, ये वहाँ तक गए। नेक्स्ट प्लीज। इनका युद्ध हुआ और जो ट्रीटी हुई उसमें इंद्रा, मित्रा, वरुणा, नासत्या का उनको साक्षी मानकर इनकी ट्रीटी हुई है। अब अंग्रेज कहते हैं कि साहब ये इसलिए कि आप वहाँ से आए। हम कहते हैं साहब आपकी डायरेक्शन गलत है, हम वहाँ से नहीं आए, हम यहाँ से वहाँ गए और ये हम आपको साबित करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये है, देखिए, ये चिट्ठी लिखी है तुषराता, बितानी किंग तुषराता टू द फैरो ऑफ इजिप्ट। तुषराता दशरथ, दशरथ का करप्शन है, ये चिट्ठी लिखी है और ये हमारे आर्य वहाँ पे थे। नेक्स्ट प्लीज। बौद्धयान श्रौत सूत्र में लिखा है अमावसु पश्चिम की ओर गया, उसके लोग हैं गांधारी, परशु, अराटा। गांधारी हैं साहब जो कि गांधार में रहने वाले हैं, गांधारी उधर से ही आई थी, अफगानिस्तान से, हमारी ही है। ठीक है साहब। और परशु, परशुराम और ईरान, पर्शिया, ये नाम किधर से आया? ये परशु से आया है। और अराटा, ये जो है माउंट अराटा, माउंट अरारत, जो कि टर्की और आर्मेनिया के बॉर्डर पे है, ये लोग यहाँ से वहाँ गए, ये हमारा जो है स्क्रिप्चरल एविडेंस है। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, ये जो है वामपंथियों ने सारे जो अंग्रेज कह गए उसको डॉगमा का स्टेटस दे दिया है, ये हमें बिल्कुल जो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं सरस्वती की बैंक पे, वो भारतीय सभ्यता का ही नहीं, आर्य सभ्यता जो यहाँ से टर्की और यूरोप तक गई है उसका मूल स्थान है। इसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। आई वुड लीव यू विद वन थॉट। हमारी सभ्यता का मोस्ट आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक है अमेजिंग कल्चरल कंटिन्यूटी। लगातार 9500 साल से अब तक मिस्र की सभ्यता क्या वही है जो 5000 साल पहले थी, या यूनान की, या बाइबलॉन की? बिल्कुल बदली हो गए हैं, या माया की? हमारी सभ्यता बिल्कुल उसी रूप में चली आ रही है। कुछ है हम में, ध्यान से सुनिए, कुछ है हम में कि मिट सकती नहीं कभी हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा, जरा फिर बोलिए, सारे जहां से अच्छा। थैंक यू।